शांति गार्डन सेक्टर 6, ये मीरा रोड ईस्ट में आता है, सृष्टि एरिया के बिल्कुल बाजू में है। 2 BHK का रीसेल का प्रॉपर्टी है जो मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। आइए जानते हैं, ज़्यादातर यहाँ पे जो लोकेलिटी है, ज़्यादातर हिंदू लोकेलिटी यहाँ पे ज़्यादा है, तो आइए मैं इस प्रॉपर्टी के बारे में पूरा डिटेल बताता हूँ। हाय फ्रेंड्स, 2 BHK की रीसेल की प्रॉपर्टी है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों बने रहिए इस पूरे वीडियो में। मैं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी डीलर, मुंबई से स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा में। दोस्तों ये फ्लैट दिखाऊंगा, साथ ही साथ मैं ये सब भी बताते चले जाऊंगा कि ये बिल्डिंग का नाम क्या है, कौन से लोकेशन पे ये बना हुआ है, कितना स्क्वायर फुट का एरिया है और क्या प्राइसिंग है, कितने फ्लोर पे फ्लैट है, कितने माले की बिल्डिंग है, बिल्डिंग का टाइटल कैसा है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। साथ ही साथ यहाँ से रिक्शा स्टॉप, बस स्टॉप, एक्सप्रेस हाईवे, टेबल मार्केट, सुपर मार्केट एंड एंटरटेनमेंट के लिए मॉल, थिएटर वगैरह कितने क्या डिस्टेंस पे है, वो सब कुछ मैं ड्यूरिंग वीडियो ही बताते चले जाऊंगा। दोस्तों आइए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। प्रॉपर्टी का वीडियो देखने के बाद, सब कुछ जानने के बाद, मैं आपको बताऊंगा हमारी सर्विसेज क्या है और फिर आपसे विदा लूंगा। दोस्तों ये शांति गार्डन सेक्टर 6 में जो मैं बात कर रहा था, 2 BHK के रीसेल का प्रॉपर्टी है ये। इसका मेन एंट्रेंस है फ्रेंड्स, लेफ्ट हैंड साइड पे सिक्योरिटी कैबिन है और आप ये एरिया देखें, बहुत ही प्रोटेक्टेड है चारों तरफ से और ज़्यादातर यहाँ पे हिंदू लोकेलिटी है। आप देख सकते हैं बिल्डिंग कुछ 8-10 साल के अंदर का ही बिल्डिंग है, बट यहाँ की लोकेलिटी बहुत बढ़िया है। वैसे तो पास में क्लस्टर 1 क्लस्टर 2 में भी हैं, वहाँ पे सारे कास्ट वेलकम है। ये ओपन स्पेस है इसका कॉम्प्लेक्स के अंदर का और 7 माले की बिल्डिंग है ये। अभी मैं ड्यूरिंग वीडियो ही सब कुछ आपको बताते चले जाऊंगा। लास्ट में मैं बात करूंगा कि बिल्डर सबवेंशन स्कीम और बैंक सबवेंशन स्कीम में क्या फ़र्क होता है, वो मैं आपको इसमें प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टिप्स बताने वाला हूँ। ये एंट्रेंस लॉबी है इसका, अभी हम 2 BHK देखते हैं। पहले फ्लैट देख लेते हैं, एमिनिटीज देख लेते हैं, उसके बाद में प्राइसिंग की बात करूंगा। फॉल सीलिंग कुछ बना हुआ है। इसमें जो फिक्स फर्नीचर है वो रहने वाला है, मूविंग फर्नीचर यानी जो फर्नीचर निकल सकता है वो फर्नीचर ये लेके चले जाएंगे। इसमें बड़ी बालकनी भी है, 2 से 3 फुट की बालकनी है इसकी। ये टीवी यूनिट एरिया है सामने, अब हम अंदर देखेंगे। सामने ही इसका कॉमन वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम के बाहर आगे लास्ट में देखें तो वॉशिंग मशीन के लिए स्पेस दिया हुआ है, जहां पे आप कपड़े धोने और सुखाने का प्रोविजन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वॉशिंग मशीन रखा हुआ है। ऑलरेडी कपड़े धोने का प्रोविजन यहाँ पे जो रह रहे हैं वो किए हुए हैं। वॉश बेसिन है उसके जस्ट बगल में है और उसके ऊपर वाटर टैंक स्पेस है, एक्स्ट्रा अगर कुछ सामान होता है तो ऊपर रख सकते हैं, इतना स्पेस है। जब आप वॉशरूम से बाहर निकलते हैं, राइट लेते हैं, तो आपको ये किचन मिलता है। किचन में गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, दोनों साइड प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, अपर कैबिनेट्स है और फ्रिज का स्पेस भी लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है। इसमें भी बालकनी दिया हुआ है, एक्स्ट्रा स्टोरेज करना हो तो आप इजीली कर सकते हैं यहाँ पे। ये 2 BHK है, अभी हम इसका फर्स्ट बेडरूम देखते हैं। ये इसका पहला बेडरूम है, सामने वार्डरोब का स्पेस दिया हुआ है और इसमें भी एक 2 से 3 फुट की बालकनी है। इन्होंने बनाया नहीं है, बट बालकनी में आप टाइल्स वगैरह लगा के बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। वार्डरोब इनका फिक्स है, वार्डरोब एज इट इज रहने वाला है। इनको इस घर को सेल करके बड़ा घर लेना है, उसके हिसाब से ये सेल कर रहे हैं। अभी आप चलेंगे इसका मास्टर बेडरूम, देखते हैं किस टाइप का है। ये इसका मास्टर बेडरूम है, बेड भी देखें, बेड तो मूवेबल है, वैसे छोड़ के जाएंगे ये।
मास्टर बेडरूम में वार्डरोब जो कबर्ड है वो फिक्स है। मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। शांति गार्डन एरिया ये सृष्टि के पास आता है, यहाँ से इस्कॉन मंदिर बहुत पास पड़ता है, एनएल डालमिया कॉलेज। मैं कनेक्टिविटी वैसे आपको फ्लैट के बाद बताने वाला हूँ, प्राइजिंग भी बताने वाला हूँ। अभी हम बाहर चलते हैं, इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है, देख लेते हैं कैसा है। ये इसका गार्डन है इसी कॉम्प्लेक्स का। सीनियर सिटीजन्स के लिए और बच्चे लोगों को खेलने के लिए बनाया हुआ है ये पूरा, इसका गार्डन डेवलप किया है, प्लस ओपन स्पेस तो आप स्टार्ट में देख ही चुके हैं, मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। ये इसका गार्डन के साथ साथ बच्चों को खेलने का कुछ प्रोविजन किया हुआ है, किड्स प्ले एरिया है। अभी दोस्तों प्रोजेक्ट के डिटेल की बात करूं तो लोकेशन इसका सृष्टि कॉम्प्लेक्स मीरा रोड ईस्ट में आता है, शांति गार्डन एरिया है। 7 माले की बिल्डिंग है ये, 7 स्टोरी टावर है, 8 विंग्स हैं टोटल इस पूरे कॉम्प्लेक्स में। हर एक फ्लोर पे 2 फ्लैट, 1 लिफ्ट और 1 स्टेयरकेस यानी 1 सीढ़ी है। मिडिल फ्लोर पे ये फ्लैट बना हुआ है जो मैंने आपको दिखाया, फर्निश्ड सेमी फर्निश्ड फ्लैट है, कुछ इसमें फर्नीचर जो फिक्स है वो रहने वाला है। OC इसमें रिसीव्ड हो चुका है, BMC वाटर इसमें आ चुका है। ये 8 से 10 साल के अंदर बिल्डिंग है, ये 10 साल के अंदर की ही बिल्डिंग है। सारे बैंकों से अप्रूव्ड है, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें इजीली हो सकता है, जैसे HDFC, SBI, ICICI, एक्सिस बैंक, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें हो जाएगा। इन्वेंट्री की बात करूँ, 2 BHK का फ्लैट है और लगभग इसका कारपेट एरिया 600 स्क्वायर फुट आसपास इसका कारपेट एरिया है। 525 इसका एक्चुअल कारपेट है और प्लस अब बालकनी वगैरह ले लें तो 600 के आसपास इसका यूजेबल कारपेट एरिया है। प्राइजिंग की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे जो एवरेज प्राइस चल रहा है वो उससे 2-3 लाख रुपए कम में है। ये फ्लैट आपको 83 लाख में दे देंगे, 83 लाख इसकी प्राइज है। आप देखें तो इस प्राइज में यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। एमिनिटीज़ में गार्डन, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, वॉकिंग एंड जॉगिंग ट्रैक जो ऑलरेडी मैं आपको वीडियोज़ में दिखा चुका हूँ दोस्तों। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो 5 से 10 मिनट के अंदर आप मीरा रोड स्टेशन, कासीमीरा पुलिस स्टेशन, नया नगर पुलिस स्टेशन, रेज इंटरनेशनल स्कूल, सेंट पॉल हाई स्कूल, एनएल डालमिया हाई स्कूल, एनएल डालमिया कॉलेज, भक्ति वेदांता हॉस्पिटल, लाइफ केयर हॉस्पिटल, नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इस्कॉन मंदिर, डी मार्ट, सुपर मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, सब आप मुश्किल से 5 से 7 मिनट के अंदर वॉकिंग डिस्टेंस में पहुंच जाते हैं। एक 10 मिनट से 20 मिनट के अंदर आप भाईंदर रेलवे स्टेशन, घोड़बंदर रोड, दहीसर चेकनाका, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ठाकुर मॉल, बिग बाजार, रसाज मॉल एंड मल्टीप्लेक्स थिएटर, संजय गांधी नेशनल पार्क, मैक्सेस मॉल एंड मल्टीप्लेक्स थिएटर और जो बड़े एंटरटेनमेंट के सोर्सेस है, जैसे आप ग्लोबल विपासना पगोड़ा, गोराई बीच, वेलंकनी बीच, पाली बीच रिसोर्ट, वाटर किंगडम, ब्रज वाटर पार्क, ये सब भी आप 30-45 मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ से बहुत पास में ही है ये। एक बड़े जो मुंबई के फेमस चीज़ें हैं, जो बड़े बड़े बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए, वो कुछ चीज़ें मैं बता दूं जो यहाँ से बहुत ही कनेक्टेड है, 1.5 से 2 घंटे के अंदर आप पहुँच जाते हैं। जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, बसई किला, जीवदानी मंदिर, जुहू बीच, अंधेरी, वर्सोवा बीच, सिद्धिविनायक मंदिर, शिवाजी पार्क, हाजी अली दरगाह, महालक्ष्मी मंदिर, बांद्रा वर्ली सी लिंक, मरीन ड्राइव, बांद्रा फैशन स्ट्रीट जहाँ पे फैशन की चीज़ें, कपड़े, ज्वेलरीज आपको बहुत ही वैरायटीज में और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है, तारापुरा एक्वेरियम, गिरगांव चौपाटी, गेटवे ऑफ इंडिया, कोलाबा, नरीमन पॉइंट, ये सब भी आप 1 से 1.5 घंटे के अंदर रीच कर जाते हैं। मीरा रोड स्पॉट ही ऐसा है, ऐसा एंगल से ये बसाया हुआ है कि यहाँ से सारी चीज़ें मुंबई के इजीली आप अवेलेबल हो जाते हैं। मैंने स्टार्टिंग में कमिटमेंट किया था दोस्तों, आज जो मैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टिप्स की बात करने वाला हूँ, वैसे रीसेल की प्रॉपर्टी में बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैं डालता हूँ, आज है कि बैंक सबवेंशन और बिल्डर सबवेंशन में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों बैंक सबवेंशन में आप देखते हैं तो बैंक जब सबवेंशन का स्कीम होता है जिस प्रोजेक्ट में, उसमें फाइनेंस आपको बैंक की ओर से मिलता है। जब बैंक की ओर से सबवेंशन होती है, बैंक की ओर से फाइनेंस मिलता है, तो बिल्डर को जब आप बुक करते हैं उसी टाइम सारा फाइल आपको लोन के लिए देना पड़ता है और वहीं उसी टाइम फाइनेंस हो जाता है और PMI चालू हो जाता है। बट फर्क यह होता है कि PMI आपको नहीं पे करना पड़ता, बिल्डर खुद PMI पे करते हैं और उसका जो चार्जेस होता है वो आपके फ्लैट के कॉस्ट में ऐड हो जाता है। ये बैंक सबवेंशन स्कीम होता है। बिल्डर सबवेंशन स्कीम में आपका जो प्राइजिंग है वो सेम रहता है,
आपको बैंक से फाइनेंस नहीं करना पड़ता, बिल्डर खुद आपको फाइनेंस करते हैं और आप स्टार्टिंग में 5 या 10% दे के रजिस्ट्रेशन करते हैं प्रॉपर्टी। बिल्डर जब लास्ट में पोजीशन देते हैं, की हैंडओवर करते हैं, तब जाके आपको लोन लेना पड़ता है। उसमें आपको प्री EMI ना आपको खुद को पे करना पड़ता है, बिल्डर को खुद पे करते हैं क्योंकि वो अपने पैसे से बिल्डिंग बनाते हैं और बैंक सबवेंशन स्कीम में वो बैंक के पैसे से ले लेके ही बिल्डिंग बनाते हैं। तो ये बैंक सबवेंशन और बिल्डर सबवेंशन में फ़र्क है दोस्तों। अगर आपको ठीक से समझ में नहीं आया हो और अच्छी तरह से समझना हो तो आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पर फ़ोन करें, हम पूरी तरह से हेल्प करेंगे आपको ये चीज़ समझने में कि बैंक सबवेंशन स्कीम बिल्डर सबवेंशन स्कीम क्या होता है दोस्तों। आइए और भी मैं सर्विसेज की बात करता हूँ। हमारी सर्विसेज इस टाइप की होती है जिससे बायर्स को, हमारे सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को काफ़ी सारा हमने अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी, बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी दिलाया है और वो हम किस तरह से प्रोवाइड करते हैं वो हमारे सर्विसेज में बताता हूँ। आइए जानते हैं हमारी सर्विसेज और क्या क्या है कस्टमर को फ़ायदा कराने के लिए दोस्तों। अभी जो हमने रीसेल का प्रॉपर्टी देखा इसका डिटेल तो मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में दे चुका हूँ। आगे फ्रेंड्स बता दूँ, हमारी सर्विसेज हम लोग प्रॉपर्टी के साथ साथ होम लोन में भी डील करते हैं, होम लोन दिलाने में भी आपकी पूरी मदद करते हैं। हर एक रेप्यूटेड बैंकों से हमारा टाइप है, कुछ कोऑपरेटिव बैंक से भी टाइप है जिनका फाइल कुछ वीक है या ऊपर नीचे है, तो उनका भी हम लोग ITR प्रॉपर करा के सब कुछ करवा के उनका होम लोन करने में पूरी मदद करते हैं। होम लोन के लिए भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग अंडर वन रूफ आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देते हैं, रजिस्ट्रेशन से लेके होम लोन से लेके प्रॉपर्टी परचेस कराने तक का सारा सर्विसेज देते हैं दोस्तों। हम लोग न्यू बुकिंग, न्यू लॉन्चिंग, रीसेल और बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी में भी डील करते हैं। न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी, जो बिल्डर कभी कभी नई प्रॉपर्टी लॉन्च करते हैं तो अच्छा खासा उनका डिस्काउंट होता है, कभी कभी रजिस्ट्रेशन स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट होता है, कभी कभी उनका फ्लोराइज डिस्काउंट होता है, कभी कभी उनका PLC डिस्काउंट होता है। बहुत सारी स्कीम वो स्टार्ट में कस्टमर्स को देते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फंड मिल सके और वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सके। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा फंड की ज़रूरत होती है इसके लिए। तो ये जो न्यू लॉन्चिंग की प्रॉपर्टी होती है वो तो कभी कभी अच्छा खासा डिस्काउंट पे होती है जब वो प्रोजेक्ट ग्राउंड लेवल पे या मिट्टी लेवल पे होता है तो। और इस तरह के जो बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी आती है हमारे पास वो तो कभी कभी 40-50% डिस्काउंट पे आती है। ये जो डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी होती है रीसेल में भी कभी कभी हमारे पास 5-5-10 लाख रुपया फ़ायदे में प्रॉपर्टी आता है। तो ये जो बेनिफिट वाली प्रॉपर्टी है, फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी है, मैं हमेशा अपने YouTube चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा पे डालता रहता हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई ऐसे फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी का वीडियो डालूं या पोस्ट डालूं या नोटिफिकेशन कुछ भी डालूं तो आपको सबसे पहले उसका इन्फॉर्मेशन मिल सके, उसका नोटिफिकेशन मिल सके। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन यानी घंटी का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं ऐसे कोई प्रॉपर्टी का अपडेट डालूं या नई प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन डालूं सबसे पहले आपको मिल सके और आप जल्द से जल्द उसका फ़ायदा ले सकें। बैंक ऑप्शन में मैंने काफ़ी सारा प्रॉपर्टी सेल किया है जो 30-40% डिस्काउंट पे सेल किया है दोस्तों। अगर आपको ये सब नए और फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन व्हाट्सअप पर चाहिए तो हमारा नंबर है 9619871855। हमारा दूसरा नंबर है ऑफिस का 8070807099। ये दोनों नंबर हमारे व्हाट्सएप पे है, आप हमारे व्हाट्सएप इन दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, आपका नाम, नंबर, लोकेशन, रिक्वायरमेंट, बजट ये सब हमें आप पिंग कर दें। जब भी हमारे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी आती है महीने, दो महीने, चार महीने में, तो हम आपको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के जरिए शेयर कर देंगे और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा व्हाट्सएप पे और जल्द से जल्द आप डिसीजन ले पाएंगे दोस्तों। आप व्हाट्सएप पे हमें पिंग भी कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें दोस्तों। और कुछ नई प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं लेके आऊँगा इसी हमारे YouTube चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा में। तब तक के लिए दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त हमारे चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।